राधे राधे दोस्तों। तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की और गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है अब डेट 8 अप्रैल और आज है नवरात्रि और आज है गुड़ी पाड़वा। जी हाँ, तो बहुत अच्छा दिन है और आज जो है सुबह से शुरुआत हो गई पूजा पाठ से। इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ और मैं खुद भी सिर्फ नाइटी पे हूँ, अभी मैक्सी पे ही मैंने पूजा पाठ कर लिया। और क्योंकि ना इतना ज़्यादा सुबह से घाई था, इतना ज़्यादा था क्योंकि घर के काम, मॉर्निंग के रूटीन, फिर पूजा पाठ का कलश बैठाना था, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सुबह से उठी हूँ तो वीडियो तो शुरुआत कर ली थी, उसी में फिर मुझे आधा करना पड़ा क्योंकि कोई तो आ गया था। तो चलिए बताती कौन आ गया था। तो मेरे भैया और पापा आए थे, एक्चुअली पापा आए हैं गांव से, कल ही आए और आज हमसे मिलने आए थे। और गांव से मम्मी सामान भेजी थी, एक्चुअली भैया ही लेकर आए थे गांव से, बट भैया को टाइम नहीं मिला तो आज पापा के साथ आ गए। तो पहले बता देती हूँ क्या क्या सामान लेकर आए, उसके बाद आगे आप लोगों से बात करती हूँ। तो यहाँ पर आया है प्रसाद, जी हाँ, और ये दुपट्टा भी भाभी ने ख़रीदा था, ये चूड़ी आई है और ये भी एक कड़ा है, दो कड़े आए हैं, प्रसाद आया है, ये बरी है जो मैंने मम्मी को बोला था बना के भेजने के लिए। तो बरी हमारे यहाँ यूपी में बनती, मैं खोल के बताऊँगी। बाकी नमकीन वगैरह है, फ्रूट्स है और इसमें गांव से गुड़ आया है भेली, जो हमारे घर में सब लोग जाते हैं तो सब लेकर ही आते हैं, सबको लगता है ये भेली। कितने थैलियों में बांधा है इसको, देखिए भेली है इसके अंदर। और ये है सरसों का तेल जो मम्मी ने भेजा है, ये गांव का ही है, घर का ही सरसों का तेल है, तो मैंने मम्मी से मांगा था तो वो भी दिया। तो इतनी सारी चीज़ें मायके से आई है तो अच्छा लग रहा है अभी। तो भैया पापा ज़्यादा टाइम नहीं रुके, उनको और भी जगह जाना था। और जब भी हमारे इधर आते तो कविता के यहाँ भी जाते, मतलब मेरी सभी बहनों के पास जाते हैं, सेकेंड वाली सिस्टर के पास, बड़ी वाली सिस्टर के पास, तो वहीं पे गए हैं सब लोग। तो इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं रुके, बस थोड़ा टाइम लगा। और मुझे सबसे अच्छी बात लगी, आज पापा भैया आए तो मैंने हमारे यहाँ पास में गाँव देवी माता मंदिर है, उनके दर्शन भी करा दिए। तो बोलते हैं ना, भाग से सब कुछ मिलता है, जब दर्शन लिखा रहता है तभी मिलता है। तो माता जी के इतने अच्छे दिन में दर्शन हो गए भैया पापा को, और वो लोग आए और अच्छे से गए भी, और अच्छा भी लगा। अरे कैसे अच्छा नहीं लगेगा मायके में, अगर मायके के लोग, मतलब ससुराल में मायके के लोग आए तो खुशी बहुत होती है। और देखिए इमोशनल भी हो गई पापा की, जिस तरीके से हालत है अभी, पापा बहुत बूढ़े हो चुके, चल नहीं पाते अच्छे से अभी। मैं तो सोचे थोड़ा मोड़ा कुछ प्रॉब्लम होगा, बट आज देखी तो बहुत ज़्यादा है कि पापा चले। तो आज देखी पापा को, तो देख रही तो पापा बहुत ही, मतलब तो घुटने से बहुत ज़्यादा परेशान है, एकदम नहीं चल पा रहे। तो फ़ोन पे कुछ और बोलते हैं लोग, कुछ सामने ऐसा कुछ आता है तो बहुत ज़्यादा ये होता है, क्या कर सकते हैं, बुढ़ापा आ गया है तो हर तकलीफें तो बढ़ती जाएगी ना। अच्छा नहीं लगा पापा को, इस तरीके से चल रहे थे रुक रुक के, थोड़ा धीरे धीरे घुटने से, नहीं अच्छा लग रहा था। मैं जाने तो अभी मैं रो पड़ूंगी। और तो अभी ये लोग गए हैं सेकेंड वाली बहन के घर, कविता के घर, और बाकी तो हम लोग देखते हैं पूरा दिन कैसे क्या है। नवरात्रि का इतना अच्छा दिन है, आज गुड़ी पाड़वा है, नए साल की शुरुआत है, आज न्यू ईयर है आज, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बाकी सबके लिए साबुदाने की खिचड़ी, आज सभी का व्रत है घर में, तो साबुदाने की खिचड़ी मैंने मॉर्निंग में ही बना दी थी क्योंकि पापा को टिफिन चाहिए था। और अभी जस्ट मैं चाय बना के पी, अभी दोपहर के बज रहे हैं 12:30, और सब कुछ काम हो गया, सब कुछ हो गया, बैठी हूँ अब, बैठी मतलब अभी भी मैं फ्री नहीं हूँ, अभी मुझे चेक करना है पेपर, तो यहाँ पर मैं पेपर अब चेक करूँगी बैठ के, स्कूल के भी काम करने हैं तो देखते हैं। अभी मैं पेपर चेक करती हूँ, उसके बाद अगर हो सका आगे का प्लान क्या है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और सिंपल सा है गुड़ी पाड़वा नवरात्रि का ये वीडियो आप लोगों के लिए, जो है वही शेयर करती हूँ, कुछ अलग सा नहीं है कि ये करना है वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी फ़िलहाल स्कूल के काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि पेपर चेक करना है, रिजल्ट बनाना है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये वाला काम है। तो अभी मैं सबसे पहले जो है पेपर चेक करूँगी और फिर देखते हैं कैसा क्या है। और तो चलिए, आप लोगों का भी नवरात्रि बहुत अच्छे से जाए, माता जी के जो दर्शन, 9 दिन की जो पूजा पाठ, एकदम धूम मची रहेगी एकदम सब जगह।
और सब माता जी का आशीर्वाद सब पे बना रहे और सबकी मनोकामना पूरी हो, बस ये आशीर्वाद माता जी से चाहिए। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, अभी तक चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे मेरी जो भी नई वीडियोस आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए फिर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड, तो सारी महिलाएं मिलकर जो हैं माता जी के मंदिर में जो है भजन कीर्तन कर रही है। तो ये फर्स्ट डे हमेशा जो है मंदिर में ही भजन कीर्तन होता है। ये हमारे घर के बहुत ही पास में मंदिर है, तो यहाँ पे हर साल जो है नवरात्रि के दोनों नवरात्रि में फर्स्ट डे जो है यहाँ पे भजन कीर्तन होता है। तो इसी तरीके से मेरा पूरा माता जी के पूजा पाठ भजन कीर्तन इसी तरीके से ही गया है। और मैं चाहती हूँ माता जी सब पे अपना आशीर्वाद जो है बनाए रखे। और ये देखिए हमारी प्यारी सी गाँव देवी माता मंदिर है, ये यहाँ पे गाँव देवी जी हैं और यहाँ पे हर साल बहुत बड़ी बड़ी पूजा होती है। और अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा इस मंदिर के बारे में, मैं हमेशा शेयर करती हूँ। और तो इस बार भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और हाँ, और जो नए सब्सक्राइबर वो नहीं जानते तो जल्दी से जाके मेरे पुराने वीडियोस आप लोग देख सकते हो तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो का यही एंड करती हूँ और आप लोगों को मिलती हूँ नए। Yeah.